हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी। जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरे चैनल है टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा स्विमिंग बाय मनी। टेक्निकल लवली मनी चैनल का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो आज के कमेंट, पहली बात कि जो कल वीडियो बनी थी वो 2.5 घंटे की थी और वो अपलोड 1 बजे जाके अपलोड हुई। मैंने 10 बजे सुबह उसको अपलोड करने लगा दिया था क्योंकि वो सुबह 10 बजे ही जाके सेव हुई। मुझे शाम को 7 बजे मैंने लगाई थी, 8 बजे लगाई थी सेव होने एडिटिंग करने के बाद, और वो सुबह बल्कि उसने 14 घंटे खाए पूरे। ठीक है, तो सबसे पहले आर्यन, हाय भाई, कैसे है आर्यन? पूरा नाम नहीं ले सकता मुझे, अज्ञाला दुआ पता नहीं क्या, समझ में नहीं आया। हाय आर्यन, हाय रजत, कैसा है भाई? और विशाल बोलता था, अरे यार मैं फिर भूल गया। तो उसके बाद क्रिश भाई कैसा है? और भाई जरा नाम गलत ले रहा था मैं अभी, मैं द्वारती विशु SHU बोल रहा हूँ, विशु SH है, विशाल नहीं विशु। यार मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्पेशल है, दो कारण बताता हूँ। पहली बात कि एक थाने नाम से गांव है, वहाँ पे भी गीता जयंती मनाई जा रही है। ठीक है, वहाँ मैं वो भी कवर करके आया हूँ, वहाँ पे भी ब्रह्म सरोवर है, छोटा ब्रह्म सरोवर, मतलब कि मेन ब्रह्म सरोवर कहते हैं पहले वहाँ था, आई डोंट नो। मैंने उसकी स्टोरी है जो भी आपको दिखाई है इस वीडियो, ब्रह्म सरोवर की पूरे एंड में वीडियो में वो मिल जाएगी। और वहाँ पे आए थे फ्लिकर सिंह और संदीप सिंह, जिनके ऊपर फ्लिकर नाम से मूवी बनाई है दलजीत सिंह दोसांझ ने, आपने देखी होगी, हॉकी से रिलेटिव वो आए हुए थे। तो मैंने इंटरव्यू नहीं लिया, वैसे आपको क्लोजअप शॉट दिखाया कि एकदम क्लियर। ठीक है, तो आज की वीडियो खास है ये कि यहाँ पे डांस होता है, वो इधर तंबू सा लगा हुआ है, मतलब टेंट सा लगा हुआ बड़े वाला, वो ऑलमोस्ट कवर हो गया होगा। आज जाके देखना है, वो कल से वहाँ कल आएंगे मान्यदे मान गुरदास मान, और मैं वो चीज़ कवर नहीं कर पाऊँगा, साफ बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पास नहीं है, मुझे पास नहीं मिला। मैं पास एक जने से पूछा था तो कहते ऐसे पास नहीं मिल सकते, या तो आप मीडिया से होना चाहिए, हम आपको पब्लिक के लिए पास नहीं दे सकते, बल्कि कि नॉर्मल ऑडियंस को नहीं पास दे सकते। तो हाँ, वैसे अंदर एंट्री हो सकती है, कोशिश करूँगा कि जाऊँगा। और टाइमिंग क्या है, किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था टाइमिंग भाई मुझे पता नहीं है, जैसे पता लगेगा मैं मेंशन कर दूँगा। और एक कमेंट आया था, चार जनों का नाम बोलना था, एक तो आर्यन था, ठीक है आर्यन भाई, हाय कैसे हो, मैं बहुत अच्छा हूँ। क्रिश, हाय भाई क्रिश, कैसे हो, मैं बहुत अच्छा हूँ। और कौन था, रजत भाई, हाय कैसे हैं। और यार ये विशु बोलता हूँ, विशाल पता नहीं यार समझ ले तुझे, मैंने तेरा नाम बोला भाई, विशाल नहीं, वंश है भाई, हाय वंश कैसा है भाई, सॉरी यार मैं नाम गलत बोल रहा हूँ, तो मुझे नाम का और कॉन्टिंग का थोड़ा बहुत रहता ही है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हो और वीडियो को एंड तक देखना। वहाँ की वीडियो मैंने शूट की हुई है और वो शूट इसके लास्ट में दिखाऊँगा। ठीक है, आज की वीडियो भी लंबी हो सकती है। वैसे आज मैं दिखाने वाला क्या हूँ, मैंने आपको बता दूँ, जो हरियाणवी कल्चर है वो कितना कवर हो चुका है, और लाइटिंग शो आज उसका टेस्ट होना है, वो मैं आपको टेस्ट हुआ तो कवर कर सका तो दिखाऊंगा। उसके बाद अभी हम सबसे पहले जाएंगे मेले में, आज मेले में भीड़ कुछ ऐसी है, बल्कि पहले से कम है, कल तो पूरी जहर था, आज राहत है थोड़ी, पर है भीड़। तो ठीक है, तो कल से गीता जयंती स्टार्ट है जिसमें गुरदास मान जी आएंगे, बल्कि 8 तारीख तक तो कंटिन्यू, एक हफ्ता कंटिन्यू चलने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आई होप कि आपको अच्छी लगे लाइक करके टिकटॉक पर फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम सारी जगह का है लिंक। तो बस आज के लिए इतने काफ़ी, स्टार्ट करते हैं, आज के लिए इतने काफ़ी है फेस, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पापड़ हमने खाने नहीं है। तो फ्रेंड्स, मुझे ना अभी कमेंट आया था, उसने सिर्फ 105 लिखा, मतलब कि 105 शो, 105 कुछ नहीं लिखा, बस 105 हमने 105 दिखा दिया। तो चलो अब आगे चलते हैं, शो दिखाने के लिए तो अब हम आगे जा रहे हैं, और आगे आज मैं जल्दी जाऊँगा, और ये काफ़ी जगह मैं स्किप कर दूँगा, कोशिश ये करूँगा कि वीडियो छोटी रहे, ज़्यादा लंबी ज़्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि अगर जितनी बड़ी हुई उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि आज मेन है जो कि मैंने आपको चीज़ें दिखानी है, तो हो सकता है कि ज़्यादा लंबी हो जाए। तो वैसे भी बढ़िया कंटेंट ही होगा, आप टेंशन ना लो, बेफिक्र हो। ठीक है, अब हम आगे जा रहे हैं। मैं छोटा सा एक काम कर दूँगा, एक सेकंड फ्रेंड्स वेट करना, मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, और ये पापड़ वाले धड़ घूम रहे हैं। हाँ ठीक है, अब ठीक है, अब बैक कैमरा नहीं है, फ्रंट कैमरा है। तो क्या है, आज गाने नहीं चल रहे, सबसे मेन सुख तो ये है। ठीक है, दूसरी बात कि अभी सूरज इधर है तो रोशनी इधर से ज़्यादा बढ़िया आएगी, बोले कि वीडियो इधर से ज़्यादा बढ़िया आएगी। अगर मैं ऐसे चलूँगा, मेरे बैक साइड में रोशनी हो जाएगी, तो मैं थोड़ा ऐसे देखो कलर थोड़ा कम आएगा। ठीक है, और फिलहाल हम जल्दी जाएंगे और बैक कैमरा चला देता हूँ, थोड़ा मेला दिखाना, और कोशिश करूँगा कि सीधा हम पहले वहाँ जाए, लाइटिंग शो को आएगा बीच में, उसके बाद
जो बीच में जाके आ रही है थोड़ी बहुत वो दिखाएंगे। और आज डे हैगा, आज तारीख हैगी दिसंबर, 2 दिसंबर 2019, और डे जो गीता जयंती का डे है वो 10 डे है, मतलब कि 10वां दिन है आज, ठीक है, गीता जयंती का जो मैं शूट कर रहा हूँ। बस ये 23 तारीख से स्टार्ट हुई थी और 10 दिसंबर तक ये चलेगी। जो मेन स्टार्ट होगी वो कल होगी, कल आएगी गुरदास मान जी, ठीक है, और उसके बाद 3-4 जने हो रहा है, मतलब कि 8 तारीख तक आएंगे, मुझे 2 जनों के नाम पता है, गुरदास मान जी आएंगे और सतिंदर सताज आएंगे 8 को, और पहले दिन आएंगे गुरदास मान जी। तो चलो स्टार्ट करें, काफ़ी बार बोल देता हूँ कि चलो स्टार्ट करें, ठीक है, मतलब कि काफ़ी बार बोल देता हूँ ना, ये बात गलत ऐसी नहीं होनी चाहिए ना। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, और कल की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ मैंने तो बहुत सी कल की वीडियो में, बाकी अब हम आगे जा रहे हैं, ये 1 नंबर गेट हम क्रॉस कर रहे हैं और मैं हमेशा उधर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, जब हम आएंगे तो अदरे इधर से आएंगे हम, ठीक है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, अभी आपको मैं सारा कुछ दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है, आज की शूट चल रही है, ठीक है, अब हम आगे जाएंगे, पानी हमने पीना नहीं है और हम बस आगे ही जाएंगे, ठीक है। कल काफ़ी अच्छा रहा, कल भीड़ भी काफ़ी थी, ठीक है, फ्री पानी की सेवा यहाँ पे, ठीक है। और यार मैंने पैसे बटुए से निकाल के थोड़ी जेब में डाल देता ना, ये भी सही रहता। अब हम आगे जा रहे हैं, ला ला ला, ये इनकी प्रदर्शनियाँ होती हैं यहाँ पे, अभी ये ढोल लाल बजा रहा है, ये तो ये आप चेक कर सकते हो, हम आगे जा रहे हैं नोडी बॉय, और वहाँ पर प्रदर्शनी चल रही है जोरों शोरों से, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जी क्या चल रहा है अभी दिख नहीं रहा, ओहो भाई जोश में, भाई पूरे जोश में, देखी गई कमर ना टूट जाए, भाई कमर कैसे दोबारती बांधेगा। तो चलो आगे चलते हैं, इनकी प्रदर्शनी सारे जन देखने खड़े हुए हैं, और ये भाई चलो आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम चलेंगे आगे, ठीक है। यहाँ कई जने मस्ती भी करते हैं, ये नहीं कि यही है, कई जने मस्ती भी करते हैं, और हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या करने थे, थोड़े पैसे निकालने थे, अगर कुछ खाना पड़ जाता है रास्ते में, तो खुले बैग निकाल दिए बैग में से, तो निकाल रहे हैं हम थोड़े थोड़े पैसे निकाल रहे हैं। गुंडे बन के घूम रहे हैं, कई गुंडे बन के, ये स्कूल आए, ठीक है, उधर ढोल के ऊपर कोई डांस कर रहे होंगे, तो चलो अब आगे जा रहे हैं। ओ चको बाजीगर वाले अपने करतब दिखा रहे हैं, ठीक है, ये चक, ओ देखो चको बाजीगर, उधर भी प्रदर्शनी चल रही है और उधर भी प्रदर्शनी चल रही है, मैं वो भी प्रदर्शनी दिखाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। कहाँ चल रहा है, कुछ दिखा मुझे बताओ जल्दी जल्दी, दिखा नहीं मुझे कुछ, देखना जी, चेक कर लो, गीता जयंती का आनंद उठाओ, वीडियो को लाइक कर दो, प्रदर्शनी का आनंद उठा रहे हो, ये कहाँ गया, ये राजस्थानी क्या करते हो, ये फ्रूट देख लो,
तो चलो हम आगे चलते हैं, ये प्रदर्शनी हो गई, हम आगे जाएंगे। हम जाएंगे आगे, आगे जाएंगे हम, जल्दी जल्दी आगे जाएंगे, टाइम ना वेस्ट करते। उधर चल रही है प्रदर्शनी, पता नहीं कौन सी प्रदर्शनी चल रही है, अब हम आगे जा रहे हैं जल्दी जल्दी। और हमें एक काम करना है, पानी की कमी मेरे में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मैं पानी बहुत कम पी रहा हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों है मेरे साथ, मतलब कि बहुत कम पानी पी रहा हूँ। और पापड़ खा लेते हैं, हम पापड़ खा लेते हैं, ठीक है, पानी कम पीते हैं, हम जाएंगे हम शौचालय, चलो चले। आज मैं फिर से भंगड़ा कवर करने वाला हूँ, भंगड़ा बढ़िया आता है, दिल खुल जाता है। चलो पहले भंगड़ा दिखा दिया आपको, मन फ्रेश कर दे, चलो भंगड़ा दिखा देता हूँ। देखना जी, देखना जी, देखिए जी, एक सेकंड, देखना जी, देखिए जी, मैं वीडियो बनानी आगे जा, देखिए जी, देखना जी, देखो थोड़ी सी, ¡Suscríbete al canal!
बोलियाँ, ठीक है, ये सारी ऑडियंस देखने वाली आप जैसे चेक कर सकते हो और आई होप कि आपको काफी मजा आया। तो चलो इतना भी मत बचाया कर, ठीक है, तो खुद को काफी मजा आ रहा है, इतना भी मत बचाया कर, पूरी ऑडियंस बारिशें हो तो भीग जाया कर, जी आप देख, चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर, प्रदर्शनी देखने के लिए, भंगड़ा देखने के लिए यहाँ पे सारे मतलब की नीचे से भी देख रहे हैं जिन्हें की सारे नहीं। अब इनकी प्रदर्शनी होने वाली है जो कि मैंने आपको पहले दिखा दी है, ठीक है, इनकी थी भंगड़ा प्रदर्शनी, कुछ इन हसीन होठों से जो कि इन्होंने बहुत अच्छा किया, उसके बाद ये सबकी प्रदर्शनी लौट जाती है, कई जने आ रहे हैं डांस देखने आ रहे हैं, मायूस हो गया है, बोलिया, ठीक है, बोलिया, कौन कहता है दिल मलाने को, भंगड़ा नो स्टॉप चलता है, बोलियों में टू टू पेयर चलते हैं और गर्ल्स की वो होता है गीता जिसमें कि ओनली गर्ल्स करती है, ठीक है, और देखने वाले लोग काफी है, इधर भी है और इधर भी है, पैगाम लेकर आए हैं सारे पीछे जने, कितनी भीड़ है सारे जने देखने के लिए, भंगड़ा खासकर, भंगड़ा खासकर काफी बढ़िया रहता है और बैकग्राउंड में बहुत शोर आ रहा है उसका, सॉरी, और भीड़ अभी भी काफी है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट प्रदर्शन दिखाऊंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे, जहाँ पे अभी तैयारी चल रही है वहाँ पे मैंने पता किया है वो कल ही शुरू होगा और जो सिंगर आने वाले वो मोस्टली रात को ही आने वाले। तो चलो अगले नेक्स्ट प्रदर्शनी दिखाते हैं कौन सी पहाड़ों की सैर, अभी पहाड़ हिमाचल प्रदेश के, अभी जो पैक में देख सकते हो ये हिमाचल प्रदेश का प्रस्तुति करने वाले अपना डांस दिखाने वाले हिमाचल, तो चलो स्टार्ट करते हैं, तैयार हो रहे हैं, पुराने समय की बातें हैं जब इतने साधन नहीं हुआ करते थे तो अपना मन बहलाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए ये लोग नृत्य करते थे जिनको गद्दी नाटी बोलते हैं, और भी वहाँ के प्रांत के बहुत अच्छे नृत्य हैं, उनमें से गद्दी नाटी पेश करने जा रहे हैं अपने मनोरंजन के लिए, अपने भगवान को खुश करने के लिए, भगवान भोलेनाथ जी की अपार कृपा है वहाँ पे, महेश मणि जी के कई जने डांस देखने आते हैं और यहाँ पे भारी भीड़ लगता है और वहाँ का जो भाई हाय कर रहा है, छोटे छोटे क्षेत्र है, मेलों की धरती, खुशी के मौके, ब्याह शादी के मौके ये नृत्य किया जाता है। आइए गद्दी नाटी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश नॉर्थ का पटियाला। ये खुद प्ले कर रहे हैं, ये गाना नहीं चल रहा, ये खुद प्ले कर रहे हैं। भंगड़ा भी हुआ नहीं है, अगर भंगड़ा हुआ तो वो भी दिखाएंगे हम आपको, आपका Thank you.
पहाड़ी है। Oh,
अब आएगा बंसी की आएगा वो दिखाएंगे। ठीक है, फिलहाल आप सुनकर ऑडियंस काफी है। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये सारे प्रदर्शन वृंदावन में भगवान कृष्ण जी बंसरी बजा रहे हैं और गोपियां नृत्य कर रही हैं, ऐसा कुछ। सानू सांवली जी झलक दिखा दे, हां झलक दिखा दे, कृष्ण कृष्ण जपिए, कृष्ण कृष्ण जपिए, साडी कृष्णा तो तृष्णा मटा दे, हां तृष्णा मटा दे, कृष्ण कृष्ण जपिए, कृष्ण कृष्ण जपिए, कृष्ण नाम कोटा यका तीर्था समान है, ताहियो कृष्ण कृष्ण करदा जहान है, ताहियो कृष्ण कृष्ण करदा जहान है, कृष्ण पैसा पैसा करनो हटा दे, हां करनो हटा दे, कृष्ण कृष्ण जपिए, कृष्ण कृष्ण जपिए, द्रौपदी ने कृष्ण कृष्ण सभा च पुकारिया, कृष्ण तेरे नाम ने चीरा दा रूप धारिया, कृष्ण तेरे नाम ने चीरा दा रूप धारिया, सानू प्रेम वाला रंग तो चढ़ा दे,
आरंगी तू चढ़ा दे कृष्ण कृष्ण जपिए कृष्ण कृष्ण जपिए कृष्ण कृष्ण नाम बाजो अर्जुन डोल गया ता कृष्णा तू ओदो गीता बोल गया डोल गया ता कृष्णा तू ओदो गीता बोल गया साडा जीवन भी गीता मई बना दे आ साडा जीवन भी गीता मई बना दे कृष्ण कृष्ण जपिए कृष्ण कृष्ण जपिए ऐसा पूरी इससे पहले जब भंगड़ा भूल गया घंटे घंटे उसको देखना पड़ेगा कृष्ण कृष्ण जपिए अरे ये चल पड़ा अरे ये देखो पीछे प्रदर्शनी स्टार्ट हो गया है इनकी प्रदर्शनी रहती है वो घोड़ा सा पकड़ के डांस करते हैं पूरा डांस करते हैं तो चलो दिखाएं तो फ्रेंड्स ये सारी प्रदर्शनी है
भंगड़े की जो कि नेक्स्ट होगा भंगड़ा। और अभी मैं कैसे खड़ा हूँ देखो क्या नीचे तो कार का तो इधर ऐसे वाले शाम का टाइम है, ये टाइम बहुत अच्छा लगता है। सूरज का आप देख सकते हो नीचे बतके तैर रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। ठीक है, वेदर दिखाता हूँ, बैकग्राउंड चेक कर सकते हो कितना औसम वेदर है इस वेले। ठीक है, काफ़ी बढ़िया लगता है। और ये आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे है रथ। ठीक है, पर औसम चेक करो यार। ठीक है, और अभी डांस हो रहे हैं और जो लाइटिंग शो लगना है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। आज ये टेस्ट कर लेगी, इस पर थोड़ा सा काम रहता है, वो कम वर्क चल रहा है। ठीक है, अभी होगा भंगड़ा नेक्स्ट परसों से जीती या भंगड़ा, ये भंगड़ा करेंगे। ठीक है, और भंगड़ा होगा बोलियों पे, और कैसे होगा ये आपको अभी पता चल जाएगा। अगर गाने पे हुआ तो मैं बिल्कुल नहीं शूट कर पाऊंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा। टोरी तंद सांभ हाड़ी वेच वट के लंबड़ा ते शाह दा हिसाब कट के कच्छे मार वंजली आनंद छा गया मारदा दमामे जट मेले आ गया। पंजाब दा लोक नाच भंगड़ा और इसके साथी हम आभारी है हरियाणा पुलिस के, जो हमारे माननीय एसएसपी साहब डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, जिनके कंट्रोल तहत ये मेला आप देख रहे हैं बड़े आराम से। और हमारे जो ड्यूटी पे तैनात अधिकारी साहब जो हमको सहयोग दे रहे हैं यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ का माहौल को कंट्रोल करने के लिए, हम नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला की तरफ से धन्यवाद करते हैं। और आपको सूचित भी करते हैं हरियाणा पुलिस की तरफ से कि जो मेले में वर्दी पहने हुए हमारे जो अधिकारी है वो आपको कम नजर आएंगे, क्योंकि पुलिस आपको डराना नहीं चाहती। पुलिस आपके लिए सुविधा बनती है, आपके लिए मार्गदर्शक है। तो इसीलिए जो शरारती अंसर है वो कृपया ध्यान दीजिए, वो आपके पास ही खड़े हैं। हर 10 व्यक्तियों के बीच में एक हरियाणा पुलिस का हमारा जो मुलाजम है, इसलिए अपना अपना ध्यान रखिए, अपने दाएं बाएं कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करें, वरना सवारी अपने सामान की आप जिम्मेवार होगी। तो आइए पंजाब का मेला, गभरुआ का मेला, पंजाब के मशहूर लोक बोलियों के नाल भंगड़ा भंगड़ा भंगड़ा
Fuck it,
आपने भंगड़ा देखा है अभी उधर और भी चल रहा है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी, वैसे तो लंबी हो जाती है, छोटी करते करते भी बहुत लंबी हो जाती है। और अभी आपने देखा भंगड़ा, मतलब कि कुछ डांस देखे है। मैं वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पे प्रवेशन कल भंगड़ा होना है, कल सारा फंक्शन कल होना है, आपको एक बढ़िया बढ़िया नज़ारा दिखाता हूँ। रुको, इतना जबरदस्त नज़ारा है ये, आप क्या कर सकते हो, ये शाम को बहुत औसम लगता है। अभी तो सूरज क्या थोड़ा नीचे चला गया, अभी सूरज की सी क्या है ये देखो, और अभी थोड़ी देर पहले कितना अच्छा लग रहा है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, चेक करो बढ़िया ना। अगर ये वेदर आपको यहाँ से देखने को मिल जाए तो कितना औसम लगेगा, बढ़िया लगे ना। ये 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 इनको ठंड नहीं लग रही होगी, बढ़िया नहीं यार, बढ़िया था, अब देखो कितना बढ़िया हो गया, क्योंकि अब है ना वेदर इधर का आया, अभी थोड़ी देर बाद लाइटें जल जाएगी सारी। और आपने काफ़ी कुछ मैंने दिखाया है प्रदर्शनी, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। और हाँ, 35 नंबर शॉप दिखाता हूँ मैं आपको, भाई का मैसेज नहीं आया, भाई बोला था कि 35 नंबर शॉप है, वो भी आप कवर कर लेना, तो मैं वो शॉप दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। सॉफ्टी की शॉप 35 नंबर शॉप है, ठीक है। यहाँ पर आपको भेलपुरी भी मिल जाएगी, यहाँ पर आपको सॉफ्टी बर्गर ये सारा कुछ मिल जाएगा। कैसे बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो फ्रेंड्स सॉफ्टी मिल जानी है, 35 नंबर शॉप है, पेटीएम कर सकते हो, ये सारा कुछ कर सकते हो। ये देख सकते हो आप, ये पीछे आप कोल्ड ड्रिंक मिलनी है, माया मुया पीनी है, आइसक्रीम, ये वाली सारी आइसक्रीम मिल जाएगी आपको, चको जो आपने खानी है आ सकते हो, चॉकलेट के दीवाने भी आ सकते हैं, भेलपुरी भी मिल जाएगी यहाँ पे, पैटी से लेके बर्गर सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, नहीं ये आप देख सकते हो 35 नंबर शॉप, ठीक है, ओके थैंक यू। तो भाई बैठा हुआ, ये सिस्टम सही है, बालपुड़ी यहीं से उठा के ले जाएगी, तो ये शॉप है, चलो बाकी चलते हैं। अब क्या है सीन बताता हूँ, अब का सीन ये है, अब हम आपको दिखाएंगे लाइटिंग शो, वहाँ लाइटिंग, अगर वहाँ पे साउंड चल रहा होगा, गाने चल रहे होंगे तो नहीं कवर करूँगा, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता, पता है आपको, गाने नहीं कवर करूँगा क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। और लाइटिंग शो टेस्टिंग होनी थी, वो टेस्टिंग पूछ लेंगे कि होगी, वैसे तो हो ही गई होगी, उन्होंने हर हाल में आज उन्होंने टेस्ट करके कल को उन्होंने शो करना है स्टार्ट, और कल या परसों, आई थिंक कल या परसों तक मैं आपको वो शो भी दिखा दूंगा, लाइटिंग शो भी दिखा दूंगा आपको, और काफ़ी आपको बढ़िया भी लगेगा। तो अभी हम आगे जा रहे हैं। बाकी आज की वीडियो लंबी इसलिए होगी क्योंकि मैं आज थाना गांव में भी गीता जयंती चल रही है, वो भी दिखाया था, फ्लिकर सिंह को देखना है, तो आपने, वैसे संदीप है उनका नाम, संदीप सिंह, तो जो मूवी बनी है उनके नाम पे, मतलब कि फ्लिकर सिंह है, ठीक है, मतलब कि काफ़ी अच्छी हॉकी खेलते हैं, वो नेशनल खेले हुए हैं, इंटरनेशनल खेले हुए हैं, ठीक है, वर्ल्ड कप दिलवाया था उन्होंने इंडिया को, ठीक है, रिप्रेजेंट किया हुआ था। और बस अगर आपने वो देखना था इस वीडियो में, वो भी कवर है, मैंने इंटरव्यू लेना था जो कि नहीं लिया, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं खुच खुच करके, कैब उतारती है, मैंने ना अभी बैग लेने गया था, भूल गया मैं वापस, ये जमाती है, ये इसको जमाती कहते हैं, इसको जमाती है इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी आंखें बंद है। और इसका पूरा नाम आनंद जमातिया है, वैसे इसको किशन के नाम से सारे जानते हैं, महान कोच ठहरे हुए हैं, जिनको इन्होंने ट्रेनिंग दे दी, वो नेशनल खेल के आए हुए हैं, वो बात अलग है कि मेरे से सीखे। मैंने इसी से स्विमिंग सीखी है, ये देखो मैंने इसी से स्विमिंग सीखी है, ये इधर इधर अंधेरा ज़्यादा, वो पैंजर्स यदि अक्खा खोलते हैं, मैं अक्खा बंद की अक्खा खोलती है,
ये भाई है साथ में। तो अब हम चले हैं आगे, वेदर बहुत अच्छा है। लाइटिंग शो ये कह रहे हैं कि कल टेस्ट हो गया था, आज शाम को 6:15, 6:20, 6:15 शो स्टार्ट होगा। तो देखते हैं कौन से उद्घाटन होगा, शो चलाएंगे पहले रिबन काटेंगे। तो चलो अब आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं आगे चलते हैं, अब आगे जा रहे हैं हम। और आगे हमें दो काम करने हैं, बल्कि दो काम ये करने हैं। एक तो मैंने आपको लाइटिंग शो दिखाना है, ठीक है, कि लाइटिंग शो पूरा प्रवेशन हो गया है, कैसे कैसे क्या होगा। और दूसरा पानी पी लिया, फ्रेश हो गया, और एक पापड़ खाना हमने, पापड़ खाएँ या नमकीन खाएँ देखते हैं, ठीक है। और बस गीता जयंती देखो और आनंद मानो। और गीता जयंती में जो हरियाणा दर्शन, हरियाणा के दर्शन है, वो कितना प्रवेशन हो गया, वो भी आपको इसी वीडियो में दिखाना है। तो बस हम जा रहे हैं, टिक 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 करते हुए जा रहे हैं। और इधर प्रदर्शनी चल रही है, डांस चल रहा था जो कि मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब हम आप ही आते हैं और शायद आगे से चलते हैं। बेर बूर हमने खाने नहीं है, वैसे मुझे बेर बहुत पसंद है, पर अब मैं बेर नहीं खाता, अब मुझे छोचा जाना है। तो चलो अब हमें आते हैं, अब खा लो चाय पी लो, बेर खा लो। तो अब हम आगे जा रहे हैं, और आगे जा रहे हैं हम, अब मैं आपको नृत्य करने जा रहे हैं, नृत्य करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो अभी मैंने लाइटिंग शो दिखाया वो कहाँ था, मैं आपको दिखा देता हूँ कि लाइटिंग शो बोल दिया, और प्रदर्शनी चल रही थी यहाँ पे। भंगड़ा आपने यहाँ पे देखा है, जो नीचे खड़े होकर भी देखते हैं, ऊपर भी देखते हैं। अब हम आगे जा रहे हैं, टक 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 करते आगे जा रहे हैं, और आगे हम जाएंगे पूरी गीता जयंती दिखाएंगे, ठीक है। और हम आगे जा रहे हैं, हमने जाना कहाँ है, लाइटिंग शो, ठीक है। उसके बाद मैं बंद कर दूँगा कैमरा, बिल्कुल बंद, ठीक है। उसके बाद सीधा बंद करने के बाद सीधा क्या करना है, सीधा हमने जाना है गीता, हरियाणा दर्शन, हरियाणा के दर्शन कराने हैं आपको। और जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उसको आपने अभी तक काफ़ी प्यार दिया, वो 1 बजे अपलोड हुई थी, और अभी तक 300 जनों ने देख ली है। लाइक कितने आए ये मैंने अभी देखे नहीं है। ये क्या देख रहा है, ये कुलचे दिखा रहा है, कुलचे सेट कर रहा है भाई, ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने ना 10 रुपये का कुलचा ले लिया, भूख लगी हुई थी तो कुलचा ले लिया। कुलचा खाना मत, बकवास है, भूख लगी हुई इसलिए खा रहा हूँ, नहीं तो वो पकौड़े बहुत टेस्टी है, पकौड़े खाएंगे आज, फिर पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर हम पकौड़े खाएंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे, एंड कर देना पकौड़े खा के, हमने एंड कर देना आज, फिर खाएंगे पकौड़े। इतना माड़ा भी नहीं है, ठीक है, पर क्या है कि वैसे ठीक है। अभी मैं कुलचा खा रहा हूँ, और कुलचा गर्म नहीं किया, ठीक है। यहाँ बेचना भी लॉर्ड नहीं है इनको, जैसे ये बेचते नाली पुलिस वाले आ जाते हैं और इनको भगा देते हैं, ठीक है। लाइटिंग शो का सीन क्या है मैं दिखा देता हूँ आपको, चलो चलो लाइटिंग शो दिखाएं। अभी शो चलता है, ये रामलीला दिखाते हैं, ठीक है, पर इसका टाइमिंग देख सकते हो 3 बजे से 5 बजे तक है, ठीक है। अभी ख़त्म हो गया, लाइटिंग शो देख सकते हो, पूरा सेट तैयार हो चुका है लाइटिंग शो के लिए, ठीक है। ये लाइटिंग शो बहुत औसम होता है, ठीक है। और चलो अब थोड़ा करीब से भी दिखा देता हूँ लाइटिंग शो। मैं ये बड़े बड़े आप देख रहे हो, इसमें जो आपको पानी के शावर निकलते हैं, और लाइटिंग शो पूछूंगा आज चले लग चुका है, मतलब कि सेटअप सारा हो चुका है, ठीक है। अभी ये यहाँ से प्ले करेंगे लाइटिंग शो, और वहाँ पे पर्दे पे आपको साथ के साथ कहानी सुनाई जाएगी, और साथ के साथ आपको शो भी दिखाया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे ये आप देख रहे हो, यहाँ पे होगा शावर, जो बहुत ज़ोर से पानी फेंकता है, और ये एन पूरा अच्छा होता है, जब आप देखोगे आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये लाइटिंग शो के ऊपर मैं थोड़ा फोकस कर देता हूँ, ये चेक कर सकते हो, ये स्क्रीन लगाई हुई है पर्दा, ठीक है। और यहाँ से पूरा एकदम, मतलब कि पूरे एकदम देखने के लायक होता है, एकदम ज़बरदस्त वाला। इस बार तो इन्होंने बहुत बड़ा लगाया है, पिछली बार से ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और ये सेटअप आप देख सकते हो, इधर सेटअप लगा हुआ है, ठीक है। अब हम आगे जो लगे हुए हैं, ये ही लाइटिंग फेंकेंगे आगे, ये आप देख सकते हो, ओ ये देख सकते हो, ये प्रोजेक्टर लगे हुए हैं बड़े बड़े, ये लाइटिंग लगे हुए हैं, प्रोजेक्टर ये भी लगा जो लेज़र लूजर फेंकेगा। बाकी इधर काम चल भी रहा है, ये चेक कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। कल ये पूरा स्टार्ट हो जाएगा, अभी हम इससे थोड़ा निकल रहे हैं, ये कल क्लियर भी करेंगे, ये फालतू की चीज़ जो है वो काट रहे हैं। अब हम आगे भी जा रहे हैं साथ ही साथ, ठीक है। शॉप नंबर 12 के पास पहुँच के हम, ठीक है, पर हम आगे जा रहे हैं। ये लाइटिंग शो यहाँ से आप लोग की, यहाँ खड़े होकर वीडियो बनाने का मज़ा आएगा। अगर मैंने लाइटिंग शो कवर किया तो मैं यहाँ से कवर करूँगा, काफ़ी बढ़िया रहेगा, और सेटअप पूरा तैयार हो चुका है, ठीक है। तो आप
ये प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, ठीक है, जैसे ये शावर लगा हुआ है ना, ये आपको ये शावर लगा हुआ है, और सेम वैसा शावर ये लगा हुआ है, आप चेक कर सकते हो, ये और ये वाला शावर, ये बहुत मतलब कि जान डाल देते हैं, ये पूरा शावर होता है, ये पूरा पर्दा स्क्रीन कवर कर लेते हैं, मतलब कि ये इधर बड़े बड़े होते हैं शावर, और उसके ऊपर भी स्क्रीन आ रही होती है शावर के ऊपर, ठीक है, और ये रहा स्क्रीन, ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हो हल्की सी कुछ लिखा भी आ रहा है ये, ठीक है, ये प्रोडक्शन है, ये देखो शावर अभी चल पड़े ये, ठीक है ना, इधर वाला चल पड़ा ये, आप देख सकते हो ये कुछ ऐसे ही चलेगा, ठीक है, और इस स्क्रीन पे अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, पर जब ये प्रोजेक्ट चलेगा तो उसके अंदर आपको पूरी एक फ़ोटो दिखेगी, जैसे पूरी मूवी चलती है ऐसे पानी के ऊपर दिखेगी, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर भी दिखेगी और पानी के ऊपर भी दिखेगी, लेकिन बहुत अच्छा शो होता है, मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ये देख सकते हो कितनी दूर तक पानी फेंक रहा है, ठीक है, ड्यूटी ये बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे सर ड्यूटी कर रहे हैं, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई इधर उधर जाए ना, फालतू ना जाए, बाकी ये सारे चेकअप कर रहे हैं कि मतलब कि इसमें कुछ खतरा तो नहीं है, बाकी अभी स्क्रीन चल पड़ी है, ये आप चेक कर सकते हो, ये अभी टेस्ट कर रहे हैं कि स्क्रीन में कोई इशू तो नहीं है, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, ये चेक कर रहे हो, ये ओवरऑल जो चेक कर रहे हैं, स्क्रीन चेक कर रहे हैं कि पर्दे में कोई इशू तो नहीं है या फिर प्रोजेक्ट के बीच में कुछ आ तो नहीं रहा है, अभी ये इसको सेट करेंगे, जैसे ये पानी के ऊपर ये छोटा सा आ रहा है, ये पूरा आएगा, बहुत ऑसम आएगा, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो वो पर्दा भी चेक कर रहे हैं, अभी सेटअप हो रहा है ये सारा, ओवरऑल जब सेटअप हो जाएगा ये सारा एकदम साफ क्लीन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अभी ये देख सकते हो पहरेदार जी जो दो खड़े हुए दिख रहे हैं ना, इनके ऊपर भी लाइट पड़ रही है, प्रोजेक्ट आ रहा है, तो काफ़ी ऑसम वाला नज़ारा आने वाला है, ये देखो इधर, ओए हो गहरा वाला मज़ा आ रहा है ना, तो फ्रेंड्स अभी ये बंद कर दीजिए, आप चेक करते हो, ये अभी टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं, ये भी अभी फोटो खींच रहे हैं, सारी कुछ कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं ये भी, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, तो अभी हम आगे जा रहे हैं, और ये शॉप नंबर 115 के एकदम सामने लगा हुआ है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, शॉप नंबर 115 है ना, 115-14 मतलब कि लगा लो 100 में, ठीक है, अब देखो स्क्रीन, पहले ये टेस्ट की इन्होंने स्क्रीन चेक करने के लिए कि पहले नीचे आ रही थी, अब इन्होंने स्क्रीन सेट की है, मतलब कि अभी टेस्टिंग चल रही है इसकी, क्योंकि ओवरऑल तो अब स्क्रीन इन्होंने ऊपर कर दी, ये पहले नीचे आ रही थी, अब ये ऊपर कर रही है, ये प्रोजेक्टर सेट कर रहे हैं, पूरा प्रोजेक्टर जब सेट हो जाएगा तो आपको पूरे स्क्रीन के ऊपर, मतलब कि अभी पानी के ऊपर आपको सारा क्लियर दिखेगा कि जो भी चल रही होगी, रामायण चल रही होगी, जो कथा सुनाती है, वैसे ये आधे घंटे का शो होता है ये, ठीक है, आधे घंटे इंग्लिश में चलेगा, जहाँ 15 मिनट इंग्लिश में, 15 मिनट हिंदी में चलेगा, और ये शो देखने वाला होगा एकदम जहर वाला, तो ये आप प्रोजेक्टर सेट कर रहे हैं, ये देख सकते हो आप ऊपर कर दिए थोड़ा, इस प्रोजेक्टर को सेट करने के लिए इधर पहले प्रोजेक्टर सेट करेंगे, फिर सेम उसी मशीन पर भी सेट करेंगे प्रोजेक्टर, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है, तो चलो आगे चल, अभी प्रोजेक्टर सेट कर रहे हैं और अब हमने जाना है, हाँ वहीं पे जाना है, अब हम जा रहे हैं जो हरियाणा द्वार है ना, वहाँ जा रहे हैं, वो आपको दिखा रहा है कि हरियाणा द्वार का काम कहाँ तक पहुँच गया है, कहाँ तक रहता है, कहाँ तक नहीं है, ठीक है, तो चलो अब हरियाणा द्वार में चलते हैं, हरियाणा के दर्शन है, हरियाणा दर्शन है, लो भाई ब्रो में आ गया, भाई कहता ब्लॉक में लो, अपना ब्लॉक छोटा सा है पर बड़े बड़े बंदे आ गए, तो ब्लॉक में ये सारे आ गए, यूट्यूब पे आ गए भाई, किस नाम से, तो मैं अभी गलत दिशा में जाने लग गया था, रीज़न बताता हूँ क्या क्यों था, क्योंकि मैंने जाना था कहाँ, मैंने जाना था यहाँ पे डांस होना है, वो एरिया दिखाना था कितना कवर हो चुका है, कैसे कैसी स्टेज बनी है, कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ पे VIP बैठेंगे, कहाँ पे, ओ आगे ये कल वाले बंदे आ गए भाई, वाले ओ कल भी आए थे आज भी आ गए, ठीक है, तो अभी हम जो जाएंगे अभी जहाँ पे डांस होना है, स्कूली डांस होना है, वो सारी जगह दिखाने वाले हैं, ठीक है, और उसके बाद चलेंगे हरियाणा दर्शन, ठीक है, और बस तो यही है, और हाँ जब ये हरियाणा दर्शन में दिखा दूंगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा मैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो कि हम कवर करके आए हैं, ये भाई शर्मा गया पीछे आके, फिर शर्मा गया, ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि थाना गांव में वी ब्रह्म सरोवर है, वो सारे कवर करके आया हूँ, उसके बैकग्राउंड में गाने चल रहे थे, वो मैं गाने हटा दूंगा, बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूज़िक लगा दूंगा, कुछ क्लिप फॉरवर्ड में चलेगी, कुछ क्लिप एकदम क्लियर चलेगी, ठीक है, कुछ क्लिप में मैं कमेंट्री करूँगा, ठीक है, तो बस यही सीन है, और वीडियो ज़्यादा लंबी आई थिंक होनी नहीं चाहिए, पर इसमें मैंने जो कवर किया है, जैसे कि प्रदर्शनियाँ मैंने कवर की है, जो कि डांस हो गया, हिमाचली डांस हो गया, और दो तीन डांस मैंने कवर किए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा करता तो और लंबी हो जाती है, लंबी होने के बाद मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे कि 2.5 GB की वीडियो, मेरा एक दिन एक रात मतलब कि कल के दिन तो मेरी 4 से 5 घंटे तो वीडियो बनाने में लग गए, ठीक है, उसके बाद 4-5 घंटे एडिटिंग करने में लग गए, और पूरे 14 घंटे उसने सेव होने में लिए,
और 2.5 घंटे उसमें अपलोड होने में लिए। तो इसमें सोचो कि उसमें मैं 2 वीडियो और बना सकता था, उसको 2 पार्ट में अगर अपलोड करता तो शायद वो मज़ा नहीं आता, पर 1 पार्ट में मज़ा आता, संडे में ही मज़ा आता। तो अभी अगर आप शो देखना चाहते हो यहाँ से भी देख सकते हो, मैं बैक स्क्रीन से दिखाता हूँ, ठीक है। ये पहले आए तो फ्रेंड्स ये आ रहे हैं, ठीक है। तो ये लगी हुई है, ये अलग अलग प्रदर्शनी मतलब की दिखाती रहेगी, कैमरा चेंज होता रहता है। यहाँ पे ये डिस्प्ले लगी हुई है बड़ी सी, अगर आप थक चुके हो आप यहाँ बैठ सकते हो, नुक्कड़ में बैठ के आप नुक्कड़ में बैठ के तसल्ली से देख सकते हो। यहाँ पे आती है, अभी इन्होंने कैमरा बंद कर दिया, अभी मेरी किस्मत मारी, इतने में आप शॉप देख लो, ठीक है। शॉप नंबर ये नुक्कड़ में है, ठीक है। और यहाँ पे शो चलेगा, मतलब कि अगर आपने शावर शो देखना है, पानी वाला शो देखना है, वो यहाँ पे भी चलेगा। ये देख सकते हो, ये चेक कर लो, ठीक है। ये अलग अलग कैमरे, जितने भी कैमरे लगे हुए, मैं कैमरे भी दिखा दूंगा। जैसे इन पिलर्स के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है। अभी हम आगे जा रहे हैं, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या हूँ कि जो यहाँ पे डांस होना है, स्कूली डांस होना है, वो चीज़ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब हम जल्दी जल्दी जाते हैं, बीच में थोड़ी स्किप कर लेंगे तो ताजो वीडियो लंबी ना हो, ठीक है ना। हाय सत्यवान भाई, कैसा है? ये मैसेज मैंने अभी अभी गीता जयंती में पढ़ा है, और जिसमें मैं जब आगे जाता हूँ तब पढ़ा था मैंने। और सत्यवान भाई कैसा है, मेरा नाम गलत बोल देता हूँ उसके लिए सॉरी। और सोनू भाई कैसा है? और 93 सत्यवान नहीं, प्रकाश भाई हाय कैसा है? और 93 क्या, मैं बाकी शो दिखा दूँगा। 93 का मतलब कुछ बनता नहीं है, कल 93 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं वो जगह दिखाना हूँ जहाँ कल डांस होगा स्कूल का, मतलब कि जो कल से प्रॉब्लम गीता जयंती का प्रोग्राम शुरू हो रहा है वो दिखाऊंगा कल। माना मान गुरदास मान आएंगे, ओवरऑल जितने भी सेलिब्रिटी है वो सारे शाम को ही आएंगे जहाँ तक मुझे पता है, बाकी कंफर्म नहीं कहता, शायद दिन में भी आ सकते हैं, ठीक है। ये दबका मारने वाला कौन होता है, ठीक है। तो अभी हम वही जा रहे हैं जहाँ पे वो शुरू होगा। सेलिब्रिटी आने वाले हैं, ये कब कब आने वाले, मैं दूसरी बार दिखा रहा हूँ, कब आने वाले हैं, ये आने वाले हैं, डेट देख लो, टाइमिंग आई थिंक शाम को ही रहेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, मुझे इनमें से सिर्फ ये इनका पता है, सतिंदर सरताज जी का पता है जो कि 8 तारीख को आने वाले है, और माना दे मान गुरदास मान, ठीक है, और ये 3 तारीख को आने वाले हैं, बाकी की डेट सारी मेंशन की हुई है, आप देख सकते हो। तो चलो अब सेटअप चल रहा है अंदर, देखा यहाँ पे स्कूली डांस होने वाला है, और अभी सेटअप कर रहे हैं ये, अभी डीजे डूजे सारे चेक कर रहे हैं। यहाँ से एक साइड से एंट्री होगी, एक साइड से एग्जिट होगा, पर VIP एंट्री के लिए पास चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है, और ये आप चेक कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। तो अभी डीजे चेक कर रहे हैं, अगर गाने चल रहे हो तो बात अलग है, मैं बंद कर दूंगा। और ये आप चेक कर सकते हो, अभी एंट्री अभी काम चल रहा है, ये बैनर्स लगे हुए हैं, ये आप चेक कर सकते हो, अभी तैयारी चल रही है, और कल तक ये पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा। अभी अंदर कितना सेटअप हो चुका है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका एग्ज़िट और एंट्री, एग्ज़िट और एंट्री कहाँ से होगी ये मुझे पता नहीं है। स्टेज आप देख सकते हो कि पूरी सेटअप तैयार हो चुका है स्टेज का, स्कूल के बच्चों का डांस यहाँ होगा या नहीं होगा ये मुझे पता नहीं है, आई एम सॉरी। तो ये रहेगा VIP और मीडिया के लिए कौन सा एरिया, मुझे ये पता नहीं है मीडिया के लिए कौन सा एरिया, मीडिया के लिए एक अलग एरिया होता है, यहाँ पे मीडिया अच्छे से कवर कर पाती है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो कि पीछे ऑडियंस बैठने के लिए सारा बना हुआ है सेटअप, ठीक है। आप यहाँ आके सीट देख सकते हो, कहाँ बैठ सकते हो, ठीक है। तो ये अभी डीजे चेक कर रहे हैं, सही है, तो चलो। डीजे टेस्टिंग चल रही है, और ये सेटअप है VIP का, ठीक है। मीडिया वाला कौन सा ये मुझे पता नहीं है, ये अभी भाई सेटअप कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं सारा, डीजे डूजे कोई दिक्कत तो नहीं है, मैक सारे चल रहे हैं, ठीक है। मैं बैक एरिया से दिखाता हूँ, और ये मेरे पीछे स्टेज है, ठीक है, कर रहे हैं, ठीक है। अभी डीजे चेक कर रहे हैं, आप पीछे देख सकते हो, ये चेक कर रहे हैं, डीजे चेक कर रहे हैं, और ये पीछे देख सकते हो, और यहाँ पे स्कूल डांस होगा या नहीं होगा ये मुझे पता नहीं है, ठीक है। ये सेटअप लगाया हुआ है यहाँ पे, ये सारा आई थिंक स्कूल के बच्चों का भी डांस होगा, क्योंकि दिन में स्कूल के बच्चों का डांस होगा जो जो प्रोफेशनल है, ठीक है। और उसके बाद जो होगा शाम को जो सेलिब्रिटी आने वाले हैं वो होगा, क्योंकि ओवरऑल यहीं पे होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, तो चलो अब बाहर चलते हैं। फ्रेंड्स जो यहाँ डीजे लगे हुए हैं, डीजे बीट्स लगे हुए हैं, डीजे बीट्स, अभी ये चेकिंग कर रहे हैं, बड़ा सतिंदर सरताज मान गुरदास मान, और ये आएंगे कल, कल गुरदास मान जी आएंगे शाम को, कोशिश करूंगा कवर करने की। तो अभी हम जा रहे हैं हरियाणा दर्शन, ठीक है। मुझे कमेंट कर रहा है भाई, भाई बार 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 हरियाणा दर्शन करो, तो उसके हरियाणा दर्शन जो है भाई वो कल तैयार हो जाएगा प्रॉपर। आज कितना तैयार हुआ मैं वो दिखा देता हूँ। ये अभी एग्जिट और एंट्री की अभी तैयारी चल रही है, तो एग्जिट और एंट्री
सेटअप कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, अभी कारपेट बिछा रहे हैं, ये जिसको मिख मुख लगा के अच्छे से, और ये फील बढ़िया वाले देने वाले हैं। और चलो अब हरियाणा दर्शन के पास चलते हैं, बीच में थोड़ी गीता जयंती भी दिखा देंगे वाले यहाँ पे होने भी चाहिए, ठीक है। तो अभी कल की तैयारी चल रही है सारी की सारी, ठीक है, और अब हम जाएंगे आगे। तो गीता जयंती इंटरनेशनल है तो सारी हाई सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, तो चलो अब आगे चलते हैं। सेटअप सारा हो गया तैयार, लगभग ऑलमोस्ट सारा सेटअप है, आज ये आज क्लीन फाइनल टच दे के तो ये कल से शुरू हो जाएगी गीता जयंती, ठीक है। स्कूल के डांस यहीं पे होंगे दिन में, ठीक है। तो चलो अब, हाँ ये आप जहाँ से मैं बाहर निकल रहा हूँ यहाँ से एंट्री है, ठीक है, मैं तो उधर से आ रहा था, ये आप देख सकते हो ये मेन एंट्री है, ठीक है। अभी मैं सड़क पे हूँ तो ये मेन एंट्री है, ठीक है, और कल देखेंगे क्या सीन है क्या नहीं, अगर हो सका तो मैं कवर करूँगा, नहीं हो सकता तो नहीं कवर कर पाऊंगा। ये एक बार आपको बोर्ड पे देख लो, जो मेरे से टाइमिंग पूछ रहे थे, फ्री एंट्री लाइव, ठीक है, एंट्री फ्री है। जसतिंदर सताज जी आर्ट को आने वाले हैं, ये देख सकते हो ये नाम लिखे हुए हैं सारे, मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, ये चेक कर सकते हो, माना दे मान, गुरदास मान, ठीक है, ये आप देख सकते हो, दलेर मेहंदी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो टाइम दिया है, लगभग 6 बजे जाएंगे, ठीक है, अब मैं सड़क पे जा रहा हूँ और मैं गीता जयंती के अब अंदर जाऊँगा, तो चलो अब गीता जयंती के अंदर ही कैमरा स्टार्ट कर, हम अंदर आ गए हैं, ठीक है, और सारा सेटअप दिखा दिया कि वो लगभग तैयार हो गया है, तो ओवरऑल बस वो सेटअप कर रहे हैं और शावर्स का भी सेटअप कर रहे हैं। अब हरियाणा दर्शन के कितना करीब पहुँच चुके हैं, कितना रह गया है, वो भी सारा दिखा देता हूँ, आई होप कि आपको अच्छा लगे। उसके बाद वीडियो का एंड हो जाएगा और कुछ तो नहीं कवर करना, नहीं, ये 3 चीज़ें थी वो कवर होगी, ठीक है। उसके बाद जो लाइटिंग शो है, कल जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो लाइटिंग शो के लिए 4-5 बजे जब भी आऊंगा तो लाइटिंग शो ही अकेला कवर करूंगा, अभी गाने चल रहे हैं तो मैं इसको स्टॉप करूंगा यहीं पे। अब हरियाणा दर्शन के सामने चलते हैं। में डोल है सारी की सारी और ये 800 रुपये की है, जहाँ तक इन्होंने सूट डाले हुए हैं, जहाँ पे नीचे वो बाल देख रहे हैं वो है 250 रुपये की, और ये सारी हैंडमेड है, इनमें से आप कोई भी लोगे तो 800 रुपये की है, और ये वाली 250 रुपये की है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप चेक कर सकते हो, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और तो फ्रेंड्स ये जो है ना, ये जूट से बनी हुई है, जूट से, ठीक है, ये 800 रुपये की एक है, ये यहाँ से इधर वाली सारी 800 रुपये की एक है, ये 800 की इसलिए क्योंकि जो जूट से बनी हुई है, ये 250 की है, ये 250 की क्यों है, ये जूट से बना हुआ है, ये पूरा जूट से बना, ये टोटली जूट से बना हुआ है और इसमें लोहे की तार भी इंक्लूड है, बस इसीलिए ये 800 की है। अच्छा सॉरी, ये हाथ से बनाई गई है और ये भी हाथ से बनाई गई है, पर इसमें हाँ अच्छा घंटा लगता है इसको झाड़ने में, तब ये नहीं 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 ये 250 की क्यों है बस ये बताओ। अरे मतलब इसमें कम टाइम, अच्छा इसमें कम टाइम लगता है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है और ज्यादा इसमें कॉस्ट ज्यादा है, तो इसलिए ये महंगी है और ये सस्ती है। हैंडमेड, ये सारी डोल्स हैंडमेड है, जहाँ पे आप ये ऐसे ऐसे जूट देख रहे हो, मतलब ये बाल से देख रहे हो, ये आपको 250 वाली मिलेगी जिसमें ड्रेसेस डाली हुई हैं, ये आपको मिलेगी 800 की, 800 में आप कोई भी डोल से ले सकते हो। वो कृष्ण जी वो 3000 के हैं, ये वाले सेट 3000 के हैं, ठीक है, जो आप राधा कृष्ण इन डोलों की, यही है कि ये हैंडमेड है, ये सारी की सारी हैंडमेड है, इनमें कम टाइम लगता है इसलिए ये सस्ती है, ये इनमें ज़्यादा टाइम लगता है ये इसलिए प्रीमियम महंगी है, इनका कॉस्ट भी ज़्यादा है, ठीक है। और जो ये राधा कृष्ण देख रहे हो, ये 3000 के हैं, ये कपल्स मतलब कि दोनों जो सेट है ये 3000 का है, जिसमें आपको सिर्फ ये चीज़ मिलने वाली है, ठीक है। और इसमें ये बटरफ्लाइज है, ये 30-30 रुपये का सेट है, 20 का भी है कोई, जो 30 के ही है, ये 30 के ही है, और ये आप शॉप नंबर देख लो अगर आपको ये अच्छे लगे, शॉप नंबर दिख नहीं रही, शॉप नंबर 267 267 शॉप है, ठीक है, वैसे ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ओए अभी तरह से फट जाता, और इसमें ना लोहे की तार है, अगर आप ये देखो टांगे देख सकते हो, लोहे की है ये, लोहे की तार है, अगर गिर भी जाती है ये टूटेगी नहीं, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं। 67 नंबर वो शॉप थी, काफ़ी अच्छी डोल्स थी, जो हैंडमेड है जिसमें ज़्यादा टाइम लगा है वो महंगी है, ठीक है, वो 800 रुपये की है, और जो जिसमें टाइम कम लगा है वो 250 रुपये की है, ठीक है। तो जूट से बनी हुई थी, वो खुद ही हैंडमेड है, जिसमें कलर भी वाटरप्रूफ किए हुए हैं, उसमें तार के साथ मतलब की तार अच्छा काम किया, अगर बाई चांस गिर भी जाती है तो टूटेगी नहीं, अगर टूट के तो यहाँ के चेंज करा लेना, पहले एक बार गिर के देख लेना, और उसके पेंट भी नहीं होते, वाटरप्रूफ पेंट है, मैं याद कर रहा था। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी थी पेंटिंग भी, उसके ऊपर ड्राइंग जो कर रखी थी काफ़ी अच्छी थी, और एक डॉल को बनने के लिए एक दिन लगता है, तो ऑब्वियसली अगर मेहनत ज़्यादा लगेगी, सामान भी लगता है, तो ठीक है 800 रुपये के हिसाब से अगर आपको अच्छी लगती है ले लो, नहीं अच्छी लगती है ना लो, पर बार्गेनिंग नहीं करनी।
मेरे पास ये है। तो बटरफ्लाई के भी थे थोड़े, वो बटरफ्लाई जो लगती है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मैं आपको बता दूँ, हम हरियाणा दर्शन में जा रहे हैं। ये पता नहीं क्यों आता है, ये बीच में पता नहीं क्यों आता है, ये है ना लाइटिंग वाला, ये आता है ना बीच में, वो एडिटेट सा करता है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं और ये चलो आगे चले, पहुंच ही चुके हैं। ये है हरियाणा दर्शन, अभी तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे बांस लगा के बंद किए हुए हैं। ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे सारा कुछ दिखाया गया है, गीता जयंती हाउस। चलो ये चीज़ दिखाते हैं, ये अभी तैयार सेटअप हो रहा है। इसको थोड़ा स्किप कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो फ्रेंड्स, ये नक्शा बनाया हुआ सरस्वती नदी का कि कहाँ कहाँ जाती है हरियाणा में, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, ये कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे लाइटिंग ज़्यादा चल रही है, ये कुरुक्षेत्र है, ठीक है। बाकी आप सारा देख सकते हो, डैम डूम ये एरिया बनाया हुआ है, ये देख सकते हो। अभी ये शीशे के अंदर है, ठीक है। ये दिन में शूट करूँगा तो बहुत अच्छा क्लियर आएगा, अभी फ़िलहाल क्लियर नहीं आएगा, उसके लिए सॉरी, ठीक है। ये आप देख सकते हो, बहुत अच्छा बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हो। अभी मतलब कि अभी क्लियर नहीं दिख रहा है इसमें, ऐसे देख सकते हो, देखो बढ़िया लग रहा है ऐसे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या क्या, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या आपको देखने को मिल जाएगा। ये अभी तैयार हो रहा है, कल तक ये सारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वाइड एंगल कर देता हूँ, ठीक है। इसमें सारा कुछ दिखाया हुआ कि कैसे कुरुक्षेत्र में नीचे पहले लाल मिट्टी मिलती थी, अब तो खैर खत्म हो चुकी है, काफ़ी नीचे जा चुकी है, ठीक है। और कुरुक्षेत्र में ये सारा सेटअप दिखाया हुआ कि कैसे मतलब कि जब युद्ध हुआ तो कहाँ कहाँ पे लाल मिट्टी मिल रही थी, मतलब कि ओवरऑल आपको यहाँ का सारा हिस्ट्री पता करनी है तो आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। अभी सेटअप हो रहा है, ठीक है। अगर आपने कुछ ये पुरानी चीज़ें देखनी है तो ये सारी की सारी पुरानी चीज़ें आपको मिल जाएगी, गीता धरोहर में मिल जाएगी, ठीक है। पनोरमा के एकदम साथ है, कृष्ण धाम जिसको कहते हैं, ठीक है, वहाँ पर मिल जाएगी। ये आप चेक कर सकते हो, ये सारा सेटअप क्या क्या इन्होंने काम किया है, कुरुक्षेत्र में क्या क्या सुधार हुआ है, ये सारा अभी सेटअप चल भी रहा है। अब जल्दी जल्दी आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये कल तक सारा तैयार हो जाएगा। कल मैं जो शूट करूँगा वो गुरदास मान जी को भी कवर करना है, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं, मैं भी ट्राई, ठीक है। और ये आप चेक कर सकते हो गीता जयंती में, ये सारे श्लोक बताए हुए हैं, जिन्होंने ये पढ़ना है वो मेरी वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, रोक के पढ़ सकते हैं मतलब कि, ठीक है। बाकी मैं आप धीरे धीरे थोड़ा आगे लेके जाऊँगा, ठीक है। ये आप स्टॉप करके देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या कार्यशाली हुई है, क्या क्या काम किया गया है कुरुक्षेत्र में, ये सारा आपको दिखाएंगे। ये मतलब कि गीता जयंती में, इंटरनेशनल गीता जयंती में प्रदर्शनियाँ सारी लग रही है, ये सेटअप हो रहे हैं सारे, ये कल तक एकदम तैयार हो जाएंगे, ठीक है। ये अभी मैं जल्दी जल्दी आगे जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हरियाणा का नक्शा चेक कर लो, ठीक है। ये भाई आगे जा रहा है, उससे पहले हम आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हो, और चलो इसको थोड़ा स्किप करते हैं, अब थोड़ा इधर चलते हैं। अब ये सारा सेटअप हो रहा है, इधर भी लग रहा है ये सारा कुछ, ठीक है। इधर हम कल दिखाएंगे, फिलहाल वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि मुझे हरियाणा का दर्शन कितनी दूर तक पहुंचा वो भी दिखाने हैं। और ये पुरानी फ़ोटो में पड़ी, फोटो में ही, हाँ ये फ़ोटो में है। और अगर आपने जानकारी लेनी है तो यहाँ आके आपको मिल जाएगी सारी जानकारी, ठीक है। बाकी सब्जी सब्जियों का डिपार्टमेंट इधर चल रहा है, सेटअप चल रहा है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, सारा कुछ पता चल जाएगा। अभी ये तैयार हो रहा है, सारा कुछ तैयार हो रहा है, ठीक है। तो आज डेट 2 है, 2 तारीख है, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये सारा मतलब कि पुराने टाइप का, ये अभी हरियाणा दर्शन में आपको देखने को मिलेंगे। ये अभी सारा कुछ चल रहा है कि क्या क्या सिस्टम है, कैसे कैसे क्या है। तो चलो, और इधर जयपुरी नहीं, और हैदराबाद का जो कल्चर है वो सारा इधर सेटअप लग रहा था, ठीक है। अभी ये देख सकते हो, इधर हैदराबाद का सारा कल्चर अभी सेटअप हो रहा है। इधर मतलब कि बोट बना रहे हैं, ये बोट बना रहे हैं, और यहाँ पे भी शो चलेगा, ठीक है। और ये सारा कवर करूँगा, टेंशन ना लो, 10 दिन है, 10 दिन में रोज़ की रोज़ कवर करेंगे। दर्शन कितना कवर हुआ है मैं वो दिखाने वाला हूँ। ये द्रौपदी जी का कुआ है, उसके पास ही ये सारा सेटअप लगा हुआ है, ठीक है। और जो मैंने कल रात को दिखाया था कि इधर हरियाणा कल्चर, वो सारा दिखाएंगे, मतलब कि एग्रीकल्चर, हरियाणा का एग्रीकल्चर, ठीक है। अभी हरियाणा दीवार दर्शन, हरियाणा के दर्शन कितना कवर हो चुका है मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। एंट्री इनकी मैंने दिखा दी थी कि एंट्री कहाँ है, तो मैंने पहले इधर वाला दिखाया। एंट्री जो है इनकी परली साइड से मैं दिखा देता हूँ। एंट्री यहाँ से, ये गेट से एंट्री है हरियाणा की, पर हाल हम फिलहाल इधर से जा रहे हैं ताँ जो कितना कवर हो चुका है ये चीज़ दिखाने के लिए। तो चलो अब जल्दी जल्दी चलते हैं। ये रथ के पास, ठीक है, वहाँ भी आरती हो रही है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं रुक चुका था, रुक इसलिए गया था क्योंकि वहाँ पे आरती चल रही थी, ओम जय जगदीश हरे, वो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती मेरे चैनल पे, तो इसलिए मैंने रुक गया था, ठीक है। जिसमें मैंने नमकीन खाई, फ्रेश हो गई, ठीक है। ये हरियाणा कल्चर कहाँ तक पहुँचा ये मैं आपको सारा दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं एंट्री कहाँ से हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ तक बन चुका है ये देख सकते हो कि आप, यहाँ पे सेटअप चल रहा है, ठीक है। और कल जब पूरा कवर हो जाएगा, कल तक इन्होंने पूरा कवर कर देना है, ठीक है। ये देख सकते हो, मतलब अभी तो अंधेरा है, कल जहाँ पे यहाँ पे बल्लब बुल्लब सारा कुछ लगा हुआ,
और हरियाणवी कल्चर, जैसे ये हरियाणवी डांस हो गया और ये सारा कल्चर आपको वहाँ, हरियाणवी डांस वो आपको वहाँ देखने को मिलेगा। शायद स्कूल के बच्चे वहीं पर परफॉर्मेंस करेंगे, शायद मैं पूछ लेता हूँ। तो फ्रेंड्स एक चीज़ बता दूँ कि स्कूल के जितने भी फंक्शन होने हैं वो सारे होने हैं, बल्कि ओवरऑल जितने भी डांस होने हैं वो यहाँ पे होने हैं। जो बड़ा स्टेज लगा है वहाँ पे होंगे, जो बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं जैसे गुरदास मान जी आ रहे हैं, ये सारे आपको वहाँ मिलेंगे। बाकी ये जो रस्सी पे चलते हैं बच्चे चलते हैं, बल्कि जो होते हैं ना, तो यहाँ पे ये सारा कल्चर अभी तैयार हो रहा है। हरियाणा दर्शन मुझे कमेंट बार बार रहता है बनाओ, ये अभी तैयार हो रहा है, सेटअप तैयार हो रहा है। ये आप क्या कर सकते हो, ये ट्रैक्टर पुराने टाइम का ट्रैक्टर, ठीक है, ये जब पुराने टाइम की मतलब कि पार्कों में बैठने के लिए ये खेतों में लगती थी, जिसके ऊपर मतलब कि जब रात को वो सोते थे खेतों में तैयारी करते थे, ये हल हुल सारे, ठीक है, ये सेटअप है। स्कूल के सारे डांस यहाँ पे होने हैं, ये डीजे डूजे एकदम सारे परफेक्ट बन चुके हैं, ठीक है। अगर आपने स्कूल का डांस देखना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। और ये कहाँ पे है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे रथ है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो चल रही है ये अभी काम कर रहे हैं यहाँ पे, ओवरऑल ये चेक कर सकते हो कितना ऑसम है, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, ये गीता जयंती के लिए क्या कहते हैं इसको, रंगोली बना रहे हैं, जो बहुत बड़ी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेज है, यहाँ पे स्कूली बच्चों के डांस होने वाले हैं और शुरू से यहीं होते आए हैं, तो इस बार मुझे लगा कि हाँ भी शायद उधर होने हैं, उधर नहीं होने, ये यहीं पे होने हैं। और ये कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा मैं आपको उधर भी दिखा देता हूँ, ये अभी डीजे सिस्टम सेट कर रहे हैं। भाई गाने मत चलाना, मेरे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी सेट कर रहे हैं, इधर सारा कल्चर लगेगा, ठीक है। अभी ये सारी सेटअप चल रहा है इनका, बड़ा बड़ा सेटअप चल रहा है, ठीक है। ये सारा सेटअप हो जाएगा यहाँ पे ए टू जेड, बल्कि देखने का आपको नज़ारा आएगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा दिखा देता हूँ, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। एंड क्या करेंगे, अभी शॉप नंबर भी कवर करनी है मुझे एक, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो पुराने टाइम के मंजे, ठीक है, मंजे चरखे, ये सारा सेटअप अभी तैयार होना है और कल आपको मज़ा आने वाला है पूरा पूरा, ठीक है। ये हरियाणवी फीमेल्स जो अपना श्रृंगार करते थे, ये वो सिस्टम है, नहीं जो घर में टंगते थे जो वो सिस्टम है, और जिसमें रोटी रट्टी रखते थे वो, ये मटके, ठीक है, ये घर के सजावट के लिए होते थे, बड़े बड़े चक्के होते थे जो रथ के, ठीक है ना, रथ के नहीं, हाँ रथ के, टांगा के, ठीक है, ये जो पराली पुरोली यूज़ करते थे वो सारा मतलब कि किससे इकट्ठा करते थे। बाकी ये अभी सेटअप कर रहे हैं, ये ओवरऑल सारी सेटअप कर रहे हैं और कल तक ये पूरा आपको तैयार मिलेगा, मतलब कि मेन गीता जयंती कल से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आज रात को ये पूरा कवर कर जाएंगे, ठीक है। और ये आप देख सकते हो पूरा काम चल रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ जहाँ कल बल्लभ बल्लब सारा कुछ लगा होगा, और कल देखेंगे हम पूरा ए टू जेड तैयार हुआ हुआ, ठीक है, ठीक है। बाकी इसके अंदर आप, ये आपको दिख नहीं रहा होगा ना, ये आप चक्कर देख लो, ठीक है। बाकी डीजे डूजे लग गया, ये रथ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो क्या होते हैं हवन होते थे ना पुराने टाइम पे, हवन होते थे, तो ये आप देख सकते हो सारा तैयार है। बाकी उधर भी सेटअप है, तो चलो अब आगे चलते हैं। भैया ने मुझे अंदर एंट्री आने के लिए दिए, भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मतलब कि अभी सारा सेटअप चल रहा है, ठीक है। डीजे आपको पता लगे कि कहाँ बच्चों का डांस होना है, कहीं को नहीं पता था। ये एग्जिट होगा यहाँ से, शायद एग्जिट होगा, एंट्री शायद उधर से होगी, या उधर से एग्जिट एंट्री बाहर जाएंगे, इधर से एंट्री होगी, कन्फर्म इधर से एंट्री होगी, क्योंकि सामने डांस चलेगा, ठीक है। तो अब हम आगे चल रहे हैं। अभी मैंने हरियाणा दर्शन करा दिए, जो जो यहाँ सेटअप चल रहा है वो दिखा दिया सारा कुछ। तो अब मुझे शॉप नंबर 93 कवर करनी है, उसके बाद वीडियो का एंड करना है। और आज की वीडियो में जो कमेंट आए थे वो मैंने साथ के साथ ही कवर कर दिए, नहीं तो आज मैंने 1 बजे वीडियो अपलोड की थी, और उसके बाद क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूँ रात को जब मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ तो फिर मैं कमेंट पढ़ता हूँ। तो आज मैंने क्या किया, आज मैंने कमेंट मतलब कि जैसे मुझे 2 मिनट मिले, क्योंकि आज मैं वीडियो डालने में लेट हो गया था, अदरवाइज़ जो मैं रात को कमेंट पढ़ता हूँ वो अगली वीडियो में दिखाता हूँ। तो कल के कमेंट आज ही कवर होने थे, क्योंकि बस बाकी अभी यहाँ पे ड्रैग आपने दे रखी है। अब मैं आगे जा रहे हैं, अब थोड़ा सा स्किप कर देते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो कुछ सेटअप मेरे नीचे देख सकते हो कि बढ़िया, मतलब कि इन्होंने कितनी मेहनत की है, और ये बहुत अच्छे लग रहे हैं नीचे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाथी चेक कर लिया हमने, तो ये हंस, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ नेट स्लो चलता है, नहीं तो मैं टिकटॉक भी बना देता हूँ। भाई पीछे ऐसे असर आया जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया हो। तो बस आगे जाएंगे थोड़ी देर, उसके बाद एंड करेंगे। और हाँ, थर थल 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 पता नहीं क्या मैं भूल गया, मेरी भूलने की मतलब क्षमता बहुत कमजोर, मतलब कि ज़बरदस्त है। कोई मुझे 4 गाली निकाले मैं 2 मिनट में भूल जाऊँगा, देखा कितना फ़ायदा है मुझे भूलने का, ठीक है। कोई मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम कहेगा मैं 2 मिनट में भूल जाऊँगा। वैसे मैं ना जो काम करना होता है वो कभी नहीं भूलता, कि हाँ भाई ये काम इंपॉर्टेंट है,
इसको पहले ही करना है। वैसे मैं जैसे जैसे काम होता है वैसे वैसे करता जाता हूँ, ये मेरा आदत है, हैबिट है, ठीक है, जिसको कॉन्सुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ पकौड़े खाने। कौन से पकौड़े खाने जाने? वही पकौड़ा जो मैंने कल खाया था। तो चलो वहाँ जाके खाते खाते टाइम की थोड़ी वीडियो बनाएंगे और कुछ बातें करेंगे, कुछ कमेंट रिप्लाई करेंगे। तो चलो फिर मैं कि वहाँ पहुँच गया शॉप पे, जहाँ पे मैंने उस दिन पकौड़े खाए थे, पकौड़े टेस्टी थे। और आज मैं पकौड़े खाने दो पकौड़े खाने जा रहा हूँ, दो पकौड़े। आज मेरी कैपेसिटी बढ़ गई। आप बताना मुझे, आपको पकौड़े अगर खाया तो कमेंट करके बताना कि कैसा लगा वो पकौड़े। शॉप नंबर 725 है, अब दो पकौड़े हमने के, दो पकौड़े कैसे। अब मैं स्पेशल दो पकौड़े खाने आया हूँ बाइक के फिर से वापस स्पेशल। मेरी वीडियो तो वहाँ ख़त्म हो चुकी थी, पर अब मैं इतनी दूर सिर्फ पकौड़े खाने आया हूँ, दो पकौड़े, ठीक है। और शॉप नंबर आप देख सकते हो, ये 725 है शॉप नंबर, मुझे ऐसे ही याद है, ठीक है। ये 725 नंबर शॉप है, ये 9 धान के पकौड़े बनाते हैं और पकौड़े खाएंगे साथ की साथ बातें करेंगे लोग, और दो पकौड़े खाएंगे, ठीक है। बाकी आप मुझे खा के बताना ये क्या है और क्या है। साउथ का बड़ा पाव मिलेगा, साउथ का बड़ा पाव भी, साउथ का बड़ा पाव उपमा है, पकौड़ा एक दे देना, ठीक है। मैं आज कुछ और टेस्ट करेंगे, कुछ और खाएंगे, मैंने पकौड़े तो खाए फिर पकौड़ा मिक्सर दे देना, हाँ वो भी दे दो एक। और अभी मैं एक पकौड़ा खाने वाला, मुझे कल बहुत अच्छा लगा था। और मैंने क्या खाया था, टिक्की कहाँ गई, वो टिक्की भी है मिल जाएगी। अरे नहीं वो लेनी नहीं है, मैंने वैसे दिखा रहा था। तो कल मैंने खाया था वो एक क्या कहता डोसा, ये डोसा था और रागी का डोसा। और क्या कहते हैं, आज मैं पकौड़ा खा रहा हूँ। आज भैया एक नई आइटम खिला रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, पर पहले मैं पकौड़ा खाऊँगा, ठीक है, या फिर पहले वो चीज़ खाऊँगा और उसके रेटिंग देंगे। मुझे पकौड़ा बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी लगा पकौड़ा, ठीक है। और अगर आपने खाया मुझे कमेंट करके बताना है। तो अभी गर्म कर रहे हैं, गर्म 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 खाएंगे और फिर बताएंगे कैसा लगा, एकदम ज़बरदस्त वाला। ऐसे बोले ना शांति है, पीछे बैठ स्लो देखो, सरोवर के पास में बैठ के एकदम शांति, चिल चिल्ड खाएंगे, क्योंकि गर्म गर्म खाएंगे चिल्ड चिल्ड मौसम में, तो बहुत अच्छा आएगा। भैया बहुत अच्छे आपको पकौड़े, बड़े टेस्टी लगेंगे। आज ऑल स्पेशल ये साइड में डाल देते हैं, नहीं नहीं ऐसे ही खाना है। तो ये ऐसे ही खाना है जैसे भैया ने तैयार किया है। तो मुझे बताना कि आपने कौन सी चीज़ खाई है और कमेंट करके जरूर बताना कौन सी अच्छी लगी आज भैया। एंड कुछ नमकीन डालते हैं, डालते हैं होने के बाद, और प्यारा खाली होने के बाद। ओह मज़ा आएगा, चेहर वाला मज़ा आएगा। शुक्रिया भाई, इसके बाद और प्यारा। हाँ मैं अभी ये खा लेता हूँ फिर पकौड़ा लेके आऊँगा। तो अगर फ्री हो तो आ जाओ बैठ के बातें करते हैं साथ में, कैसे कैसे है क्या नहीं, आ जाओ। तो वो भाई को मैंने बुलाया, अगर आ गया तो ठीक है हम बातें करेंगे और यहाँ पे बैठ के हम खाएंगे कल की तरह, बातें करेंगे। और सेटअप देखो इधर ज़्यादा बढ़िया रहेगा या इधर ज़्यादा बढ़िया, इधर ज़्यादा बेस्ट है ना, तो थोड़ा उधर होके बैठते हैं, यहाँ बैठेंगे। नहीं आप ऐसे आ जाओ, कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे उठ के। अरे वो फिर दोनों इकट्ठे कैसे खाऊंगा, वो तो ठंडा हो जाएगा। तो भाई कह रहा मैं पकौड़ा लेके आता हूँ, और मैं कह नहीं ऐसा कुछ सीन नहीं है, आप फिलहाल आ जाओ। और मैं अपना स्टैंड ट्राइपॉड स्टैंड खोल रहा हूँ, सेटअप कर रहा हूँ। और बैक का वेदर इधर देखो, बैक का वेदर कितना ऑसम है। मतलब कि सपोज करो अगर आप काम से फ्री हो तो यहाँ गेड़ा मार जाओ और पकौड़े खा जाओ, क्योंकि मोमोज तो आप हमेशा ही खाते हो, ठीक है। और अभी का वेदर कुछ ऐसा है, मैं यहाँ रखता हूँ कैमरा ना, है ना, यहाँ कैमरा रखेंगे। और ये पावर बैंक मेरी बैटरी मोबाइल की डाउन हो गई, इसलिए साउंड क्लियर नहीं आ रहा होगा। पर अगर मैं इधर रखता हूँ ना तो इधर रोशनी ज़्यादा आ रही है, इधर ना बल्लब है ना तो इधर रोशनी ज़्यादा आ रही है। वैसे इधर का वेदर भी अच्छा है, इधर रोशनी थोड़ा अंधेरा अंधेरा आ रहा है ना, मतलब जैसे बैकग्राउंड में से रोशनी। नीचे वाली सीढ़ी पे बैठता हूँ, अब सही है, अब सही है, यहाँ पे बैठेंगे हम, ठीक है। भाई भी आ जाएगा, और अब इधर LED चल पड़ी जिसके कारण मुझे रोशनी बहुत ज़्यादा दिख रही है। और ये आज भाई ने कुछ बनाया नया स्पेशल, ये आप देख सो खा के देखते हैं कैसा लगता है, ठीक है। ये भाई ने इसमें चटनी चुटनी डाल के, नमकीन नमकून डाल के सारा बड़ा अच्छे से बनाया। थोड़ा तीखा है, अलग है, और काफ़ी अच्छा स्पाइसी स्पाइसी टेस्ट आ रहा है, बढ़िया है। बच्चों ने खाना है तो उनको बोल देना कि स्पाइसी मिर्ची मत डालना, स्पाइसी चटनी कम डालना। वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये भी काफ़ी बढ़िया है। पर मुझे पकौड़ा बहुत टेस्टी लगा, ये उनका क्या था इसके साथ ना, ये आई थिंक इन्होंने ब्रेड को काट के उसमें इन्होंने कुछ फिल किया हुआ है, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और भाई कहाँ से हम सारी ड्रेल लेंगे, और इधर आ जाओ, यहाँ बैठो, ये भाई आ गए हैं, ठीक है। और नीचे आ जाओ, नीचे
ये भाई आ गए, अभी मैं खा रहा हूं पकोड़े। रेडी है पकोड़े? नहीं सर, आप खा लो सर। मुझे बताओ आप पहले, आप कहां से हो सर? मैं कर्नाटक से हूं सर, मेरा नाम देवराज है। उधर बताना। मैं कर्नाटक से हूं, मैं अभी मैं दिल्ली में सर। बताओ बताओ, कोई चक्कर नहीं। मैं कर्नाटक से हूँ, अभी इधर मेला के लिए अब गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक से स्पॉन्सर्ड करने, स्पॉन्सरशिप के अंदर आया हूँ। भाई कर्नाटक से है? हाँ सर। मेरी बात कम आ रही होगी क्योंकि अभी मैंने मैक उतार रखा है, मुझे पकौड़े ज्यादा बेटर लगे और ये भी बढ़िया है, पर अगर बच्चे ने खाना है तो उसमें मिर्ची कम डालना। इसमें थोड़ा स्पाइसी है, अगर जो बच्चा स्पाइसी खा लेता है वो बढ़िया। स्पाइसी वाला चटनी अलग है और नमकीन मीठा वाला भी अलग है, आप जो डिमांड कर तो उनको बता रहा हूँ, बहुत करेंगे तैयार कर दो आप स्पाइसी और थोड़ी। छोटे बच्चे ने खाना है तो, अगर बड़े ने खाना है तो ऐसे ही खाना जैसे बना है। इसमें नमकीन का क्रिस्पी टेस्ट आ रहा है और इन्होंने बीच में कुछ डाला हुआ है जो कि अलग फ्लेवर दे रहा है, बढ़िया दे रहा है। मोमोज तो आप रोज ही खाते हो, एक दिन ये खा के देखो, सात दिन दस दिन गीता जयंती है। अभी मैं कसम से स्पेशल खाने आया हूँ, मैं वहाँ पे मेरी गीता जयंती खत्म होगी, मेरी वीडियो खत्म होगी, फिर चलो आप थोड़ा खा के आते हैं, इतने बैटरी चार्ज होगी, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। मतलब खाते खाते इसके बाद लास्ट शूट है मेरी, शॉप नंबर 93 कवर करनी है। क्या होता है 93 शॉप नंबर पता ही नहीं। देखूंगा अभी अभी जैसे कमेंट कर देते ना वीडियो देख के, यहाँ भी हमारे शॉप पे कैमरा मार देना। तो मुझे एक ही पकड़ा जाएगी यार, एक तू ले ले, एक पसंद आया तो और एक कंटिन्यू करना, नहीं मैं जाऊंगा। नहीं नहीं खा कंपनी दे। तो मैं और भाई खा रहे हैं पकौड़े, मुझे पकौड़ा बहुत टेस्टी लगा और एकदम जेन्युइन पकौड़ा है, ठीक है, और ये वाकई मुझे अच्छा लगा। 10 रुपये का है पर पैसे वसूल है। और बताओ भाई कैसे हो? अभी पहली बार पकौड़ा खा रहा हूं दिन के बाद। तो ये बनाता कौन है? बनाते हमारे कुक है, मतलब हमारे डैडी है ना, अच्छा, वो ही बनाते हैं। अच्छा अच्छा अंदर दो तीन लोग है। तो इसमें नौ चीजें ऐसी कौन कौन सी डाली? जो भी दाल होते हैं, मतलब चने का दाल होता है, उड़द दाल होता है, और बाजरा होता है, रागी होता है, नौ प्रकार के धान से बनता है चावल। अभी नॉर्मल तो टेस्टी नहीं है, ये हेल्दी भी काफी है। हाँ सर, ठीक है ना, हमारा इंटेंशन ये है कि हमको, हम मिलेट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, मिलेट्स सुपर फूड कहा जाता है। मिलेट्स मतलब रागी होता है, बाजरा होता है, मिलेट्स में जीरो शुगर होता है, जीरो कोलेस्ट्रॉल होता है, कंटेंट होता है। अभी जो भी बीपी शुगर के लिए, तो फ्रेंड्स जिसको बीपी की बीमारी है या शुगर की बीमारी है वो खा सकता है, उसको कोई चक्कर नहीं है, वो खा सकता है, ठीक है। मिलेट्स को नेक्स्ट जनरेशन फूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेक्स्ट जनरेशन फूड, बल्कि नेक्स्ट जनरेशन फूड, बल्कि सुपर फूड, एकदम जेन्युइन वाला। भाई खा ले खा ले, कोई बात नहीं, मैं पैसे दे दूंगा। बढ़िया यार, बहुत टेस्टी है। हमने जब डिसाइड किया, एक्चुअली टू डेज में डिसाइड हुआ इधर आने का। अच्छा, जब भी हम डिसाइड किया, मैं पहले देखा कि लोकेशन कहाँ पे, मेरा लोकेशन आपका जानकारी का सोर्स आपका ही वीडियो था, मैं आने से पहले आपको जानता था, मतलब आपका अच्छा, चैनल को। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप जहाँ आने से पहले मेरे अपने वीडियो देखे मेला कैसा होता है, कितना लोग आते हैं। अच्छा अच्छा, हम 3000 किलोमीटर से आए ना। कितने? 3000 किलोमीटर? 3000 किलोमीटर? 3000 किलोमीटर भाई बहुत होते हैं, आने में पता नहीं 3-4 दिन लग जाते होंगे। कितने दिन लगे आने में? 2.5 डेज। मेरे 2.5 दिन लग जाते हैं आने में। भाई पकौड़ा भूल जा। भाई अब मैं कह रहा हूँ, भाई ने अद्धा पकौड़ा खाया था, भाई वो पकौड़ा भूल जा, भाई खाता रहेगा और खा के देखना बढ़िया। और एक दो लेके आओ। पकौड़ा बहुत बढ़िया है, सिर्फ बढ़िया नहीं है, हेल्दी भी है। मैंने पूरा गीता जयंती में मुझे पता दो चीजें बढ़िया लगी, एक ये और एक वो 3D फोटो है। भाई कह रहा है मैंने नहीं सिखाया। भाई कहता मैं आपकी वीडियो देख के आया, आपकी मेला कैसे लगता है, क्या है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इन्होंने मेरी वीडियो से ले ली की हाँ कितनी भीड़ होती है, कहाँ पे लोकेशन है वो वगैरह वगैरह, क्योंकि हम इतना दूर से तो आते हैं ना, मतलब इकोनॉमिकल होना चाहिए ना, थोड़ा तो पता होना चाहिए। मेरा भी ऐसा ही होता है, जो है अगर मैं कहीं कंपटीशन लड़ने जाना है स्विमिंग का, तो वहाँ की स्टडी मानी कि आसपास क्या है, कौन सा एरिया बढ़िया है, कौन सा होटल बढ़िया है। तो आप यहां से उस पार कर सकते हो कंटिन्यूसली? मैं स्विमिंग नहीं करता, मैं सिखाता हूँ। okay, okay, तो okay, मेरा स्टेमिनर कम है। okay, okay, पर जिसको मैं सिखाता हूँ उसको चाहे ऐसे पूरा करा ले, चाहे उसको ऐसे पूरा करा ले। okay, okay. वो कर जाएगा। और वो बच्चा 8 साल का है। 8 साल?
आठ से नौ साल का है वो, तो वो अभी नेशनल में सिलेक्ट हुआ था। ठीक है, पर अभी नेशनल गया नहीं क्योंकि उसकी क्लास छोटी थी और उसने हैदराबाद जाना था नेशनल खेलने, डीएवी टू डीएवी स्कूल में। तो बस अभी उसकी तैयारी चल रही है, मैं उसकी प्रैक्टिस कराता हूँ, बाकी उसकी वीडियो आती है। तो फ्रेंड्स पकौड़ा तो अपना पक्का हो गया, मतलब कि तीन चार दिन के लिए हम पकौड़े खाने तो आते रहेंगे और बाकी आप भी जरूर आओ, चेक करो नंबर 725 शॉप नंबर को, मुझे अब वैसे ही याद है, वैसे मुझे अक्षर याद नहीं होते okay. वैसे मुझे शॉप नंबर ये जब मैंने पकौड़ा खाया था मुझे तभी याद होगी थी, अभी 725 नंबर शॉप है, ये कन्फर्म है, भूख लगी तो हम इधर साइड आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी मेरी वीडियो काफी लंबी हो गया, तो फ्रेंड्स चलो अब 93 शॉप नंबर कवर करके वीडियो को एंड करेंगे, और उसके बाद एंड नहीं करेंगे, उसके बाद जो मैंने मेला गया था वहां पे, जो गांव में मेला लगा है यहां पे, आपको फ्लिकर सिंह संदीप सिंह आए थे जो जिनके ऊपर मूवी बनी है, वो वीडियो आपको देखने की मिलेगी इसके बाद, मतलब कि अभी बाढ़ पार्टनी इसके एंड में। तो चलो वीडियो दिखाते हैं और शॉप भी दिखाते हैं। भाई तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तो बाकी बकाया ले ले। लास्ट का मैसेज था जो आज की वीडियो पे आया था वो भी मैंने कवर कर दिया, 93 नंबर शॉप थी, ठीक है। अभी ये शावर जो अभी ये अभी टेस्ट कर रहे हैं, लास्ट टेस्ट कर रहे हैं, ये शावर का ये देख सकते हो पर्दे स्क्रीन पे आ रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, और हाँ अभी मैं आपको थाने गाँव में मैंने जो गीता जयंती चल रही है वो दिखाऊँगा अब, तो चलो वो दिखाते हैं, वीडियो लंबी है उसके लिए सॉरी। गीता जयंती अब कल मिलेगी, पर फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है, और आज की वीडियो लंबी होगी जिसके कारण मैंने प्रदर्शनियाँ भी दिखाई हैं इसलिए लंबी होगी। कल जो वीडियो रहेगी वो रहेगी जो डांस होना मैंने बता दिया आपको, डांस कहाँ होना है, उधर गुरदास मान जी आएंगे जो कि मैं कवर बिल्कुल ही नहीं करने वाला, थोड़ा सा कवर कर भी दूंगा, बाकी जो हरियाणा दर्शन है, हरियाणा के दर्शन है, वो प्रिपरेशन हो जाएगी कल, ओवरऑल सारा कवर हो जाएगा। और ये लाइटिंग शो जो अभी आप सेटअप देख रहे हो उसका हो रहा है, ये भी कल पूरा क्लियर हो जाएगा, तो कल कोशिश करूँगा लाइटिंग शो कवर कर दूँ, और साथ के साथ आपको वो परले वाला पंडाल में शाम को गुरदास मान जी आएंगे, शाम को 5 बजे का टाइमिंग दिया हुआ है, अगर मैं शाम को कवर कर पाया तो करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ मुझे पास नहीं मिला, एंट्री पास नहीं मिला, अगर मैं पीछे से कवर करूँगा तो इतना कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, तो बस सीन है। अभी लाइटिंग शो थोड़ा सा दिखाता हूँ, चल रहा है पर उसमें पीछे साउंड नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स ये है संदीप सिंह जिनके ऊपर द फ्लिकर सिंह के नाम से मूवी बनी है जो कि दिलजीत सिंह ने बनाई हुई है। ये गांव में मेला लगता है, गांव का नाम मैं आपको आगे बता दूंगा, मुझे अभी याद नहीं है, थाने नाम से गांव है ये, ठीक है। ये पेवा में पड़ता है, यहाँ पे ब्रह्म सरोवर की यहाँ की भी एक स्टोरी है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी ने तप किया था, ठीक है, और कहते कि ये प्राचीन ब्रह्म सरोवर यहीं पर, यहाँ बच्चों ने अपना डांस करके दिखाया था जो कि मैंने थोड़ा कवर किया है, कोशिश की है कि जितना भी कवर हो सके, क्योंकि मैं बहुत लेट हो रहा था इसलिए मैंने कम कवर किया है। तो ये स्कूल के बच्चे थे छोटे छोटे जिन्होंने हरियाणवी पे डांस किया है, और भी कईयों ने बच्चों ने डांस किया है, और कुछ मैंने फॉरवर्ड में निकाला हुआ है, और आपको सरोवर दिखा दूँ। और एक चीज़ के यहाँ की और खासियत है कि यहाँ पे हर तरह के पंछी आते हैं, मतलब कि यहाँ बैक साइड में एक ना जगह है, यहाँ पे सरोवर के बैक साइड में वहाँ पे कमल लगते हैं, बहुत कमल लगते हैं, कहते हैं यहाँ पे इतने ज़्यादा कमल होते हैं कि बहुत कमल होते हैं यहाँ पे, मतलब कि बैकग्राउंड पूरा पिंक पिंक सा हो जाता है, मतलब कि जो भी कमल का रंग होता है ना, जैसे वो बोला यहाँ पे ये देख सकते हो कि शॉप्स भी लगी हुई थी, मतलब कि छोटा ब्रह्म सरोवर का मेला देख सकते हो आप यहाँ पे। ये गांव वाले मतलब कि यही है कि हाँ भी इतनी दूर नहीं जा सकते, पर गांव वाले मतलब कि जो गांव वाले यहाँ पे मेला लगा हुआ है ये आप देख सकते हो, ये ब्रह्म सरोवर का ही मेला लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे भी छोटा सा ब्रह्म सरोवर है, मतलब कि ओवरऑल जो ब्रह्म सरोवर का मेला मैं कवर कर रहा हूँ तो थोड़ा पता होना चाहिए कि हाँ भी यहाँ पे मेला, यहाँ पे कुछ हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री है वो हमने पंडित जी से बात की हुई है। देख सकते हो पंछी उड़ रहे हैं, और ये आपको जो जगह दिखा रहा हूँ ये सारी की सारी है ना यहाँ पे कमल उगते हैं, ठीक है। तो चलो आपको ये फ्लिकर सिंह जी आ गए, ये मैंने एकदम मतलब कि इनका इंटरव्यू लेना था, मेरे पास टाइम नहीं था तो नहीं ले पाया, और ये भी थोड़े बिजी थे, ठीक है, बाकी इंटरव्यू लेता भी तो क्या लेता ना मेरे पास, मैं एक बढ़िया ना कुछ, मैं हेडफोन के साथ काम चलाता हूँ, और बस बहुत जल्दी हम बढ़िया बढ़िया काम कर लेंगे, कैमरा ले लेंगे, कैमरा लेना नहीं, वैसे मेरा फ़ोन ही ज़्यादा बेटर है। तो चलो आपकी इस जो गाँव की हिस्ट्री है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जल्दबाजी में फ्लिकर सिंह के साथ फ़ोटो खींचना भी भूल गया था, मैंने अपनी फ़ोटो भी नहीं खींची, पता है आपको इतनी जल्दी थी मुझे वीडियो बनाने की, तो ये वीडियो बहुत लंबी होगी उसके लिए सॉरी। तो चलो अब सर का इंटरव्यू ले लेते हैं और वो सारी हिस्ट्री बता देंगे शॉर्टकट में, ठीक है, वैसे बहुत लंबी है।
पी जो आपने देखा है जड़ी सारा मेला दिखाया है मैंने आपको ब्रह्म सरोवर तो अलग जो यहाँ का हिस्ट्री है वो सर आपको छोटकर तरीके में जल्दी जल्दी बता देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो सर पहले सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सर नमस्कार, मेरा नाम मांगेराम कौशिक है, मैं गाँव थाना का रहने वाला हूँ। जी सर, तो सर यहाँ की हिस्ट्री पे जो थाना यहाँ इस गांव में जो गीता जयंती लगती है तो इसकी क्या हिस्ट्री क्या है? देखिए सर, जो गीता जयंती का कार्यक्रम है हरियाणा सरकार की पहल से दो साल से हमारे गांव के अंदर गीता जयंती जो है दो दिवसीय मनाई जाने लगी है। गीता जयंती क्यों मनाई जाने लगी है? यहाँ पर प्राचीन ब्रह्म सरोवर तीर्थ है, प्राचीन ब्रह्म सरोवर तीर्थ आदिकाल से है। इनका जो ब्रह्म सरोवर का बारे में बताया गया है वामन पुराण, कई पुराणों के अंदर इसका वर्णन आता है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर तप किया था और आदिकाल से जो इसकी सृष्टि, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो सबसे पहले यहाँ पर जो है भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि रचने के लिए यहाँ से शुरुआत करी थी और इसका जो है वर्णन कई ग्रंथों के अंदर आता है। तो फ्रेंड्स थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स सर ने बताया कि भगवान ब्रह्मा जी ने जब सबसे स्टार्टिंग में जो कुरुक्षेत्र में तप किया था तो वो सबसे पहले यहाँ किया था, ठीक है, मतलब कि जो की थी स्थापना की थी कुरुक्षेत्र की, ठीक है। तो जो भी है आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। और ये जो है यहाँ पे जैसे कि अभी ये यहाँ पे काम चल रहा है और नेक्स्ट जो साल आएगा उसमें मैं जो आपको पता ही मैं हर एक साल गीता जयंती कवर करता ही हूँ तो अगले साल भी यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलो अब आगे चलते हैं, वीडियो आगे दिखाते हैं आपको। 93 नंबर शॉप, ठीक है, जिसका कमेंट आया था ये 93, अभी फोकस नहीं होता, रात को फोकस नहीं होता फ्रेंड्स, क्या करें। ये है 93, ये देख लिया, ये 93 नंबर शॉप है। ये भाई हाई करता भाई ने मैसेज किया था, इन्हें कला 93 लिखा था जिसमें कुछ नहीं पता चला, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, ये एंडिंग वाली वीडियो बस आज के लिए इतने काफ़ी है, तो चलो एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स ये चैनल है मेरा स्विमिंग बाय मनी, जिसके ऊपर मैं ब्रह्म सरोवर की वीडियो डालता हूँ। इस वीडियो से पहले मैंने आपको लाइटिंग शो दिखा दिया क्योंकि वो मैंने बाद में बनाया था, पर मैंने पहले दिखा दिया क्योंकि मुझे लगा कि पहले दिखाना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, थैंक यू।